देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन कल मनाया गया। इस खास अवसर पर पूरे देश के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वैसे ही अहमदाबाद के बापू नगर विस्तार में आए हनुमान मंदिर में भी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को गायत्री यज्ञ कर सामूहिक रूप से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना की गई। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में भंडारे का भी आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पूर्व DSP तरुण बरोट मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में कई कॉरपोरेटर और संत भी उपस्थित रहे। सबकी उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। तो आइए देखते हैं कि अवतार मीडिया के माध्यम से क्या कहा पूर्व DSP तरुण बरोट ने। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूर्व DYSP ने शिरकत की है, तरुण बारोट जी ने शिरकत की है। तो हम जानेंगे उनसे पूरे कार्यक्रम के बारे में, किस तरह का ये कार्यक्रम। तो तरुण बारोट, आज हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन है और उनकी आयुष 72 वर्ष की हो गई है और उससे ज़्यादा भी, भगवान 100 वर्ष से भी ज़्यादा करे और देश और देशवासियों की रक्षा करे। और उन्होंने जो काम किए, अयोध्या मंदिर है, ये 370 घर, ऐसे अभी तक कितने साल हो गए मंदिर बनाने में, लेकिन मंदिर बना नहीं। ये प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है। जो राम को प्यारा है वो देश को, पूरे वर्ल्ड को प्यारा। जय हिंद, जय भारत।